सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दो ऑप्शन पूरी बढ़िया तरह से क्लियर हो जाएगा, एक क्लिपबोर्ड और इमेज। क्लिपबोर्ड में हम पेस्ट में पेस्ट फ्रॉम और पेस्ट कट कॉपी, क्लिपबोर्ड में ये तीन मेन ऑप्शन जानेंगे, और इमेज में सेलेक्ट फ्री फ्रॉम सेलेक्शन, सेलेक्ट ऑल एंटर ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन, क्रॉप रिसाइज एंड रोटेट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ऑप्शन पेस्ट। सबसे पहले पेस्ट करने से पहले हम कोई भी चीज़ को कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ ड्रा कर दिया है स्क्रीन पे, कोई भी चीज़ आपने ड्रा कर दिया है और उसको आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको याद रहे कि पहले इमेज को सेलेक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ करने से पहले कट कॉपी या फिर पेस्ट, कोई भी चीज़ करने से पहले उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जिस इमेज को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। ये सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट होने के बाद ध्यान दें कि ये डॉट डॉट एक बाउंड्री टाइप का लाइन क्रिएट हो जाता है। इससे पता चलता है कि कोई मेरा इमेज सेलेक्ट हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ कॉपी पर भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पे शो कर रहा है कंट्रोल प्लस सी भी टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड में। तो कंट्रोल सी दबा देते हैं तो ये कॉपी हो जाता है, या फिर सिंपली आप कॉपी पर भी क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी हो जाने के बाद कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बन जाता है कि उसी प्रकार का फाइल अगर पेस्ट करते हैं तो उसी प्रकार का फाइल वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम पेस्ट करते हैं तो एक इमेज क्रिएट जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं तो उसी प्रकार का इमेज हमको देखने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं कट ऑप्शन। उससे पहले पेस्ट फ्रॉम देख लेते हैं। पेस्ट फ्रॉम ऑलरेडी आप कोई इमेज क्रिएट किए हुए हैं और आपको इसी इमेज पर वो फोटो लाना है, तो सिंपली आप उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देंगे तो ये इमेज इस विंडो पर ओपन हो गया है। तो सिंपली आप इसको रिसाइज कर सकते हैं और जहाँ रखना होगा वहाँ रख सकते हैं। ये था पेस्ट फ्रॉम का ऑप्शन। तो हमने देखा पेस्ट फ्रॉम ऑप्शन का यूज करके कोई भी इमेज ऑलरेडी क्रिएट किए हुए फाइल से इस पेज पे ला सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कट का क्या यूज है पेंट में। तो सिंपली ये अनवांटेड पिक्चर को हटाने के लिए कट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ पहले कट कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको याद रहे कि सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे ये अनवांटेड ब्लैक रीजन क्रिएट हुआ है तो सिंपली यहां से कट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। होप आपको कट कॉपी पेस्ट तीनों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं इमेज मेनू का क्या यूज है। तो सिंपली हमने देखा कि सेलेक्ट कोई भी चीज को करने के लिए पहले सेलेक्ट करते हैं कॉपी पेस्ट। आप जानते हैं फ्री फ्रॉम सेलेक्शन का क्या यूज है। इसका यूज जैसे हमको केवल एप्पल का लोगो सिर्फ चाहिए तो ये ब्लैक रीजन रेक्टेंगुलर सेलेक्शन से नहीं हट सकता है। सिंपली आप फ्री फ्रॉम सेलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद
अपने हिसाब से बारीकी से जैसे जैसे घुमाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज कट के स्क्रीन पे आ जाएगा, देख सकते हैं। आप अपने से अच्छे तरीके से करेंगे तो इमेज को आप अपने हिसाब से बढ़िया से उसको टेकआउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। सेलेक्ट जैसे कोई पेज पे अगेरा वगैरह आप अगर इमेज क्रिएट कर देते हैं एक ही साथ आपको हटाना है तो सिंपली सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से भी हो सकता है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल ए है, जैसा कि आप देख सकते हैं उस पर कर्सर ले जाने के बाद शॉर्टकट शो कर रहा है। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए, या फिर आप सिंपली यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा होल विंडो में ये फोर कर्सर शो कर रहा है, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये साइन शो करता है कि ये पूरा पेज सेलेक्ट हो गया है। सिंपली अगर इस पेज को आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप डिलीट का ऑप्शन करेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन क्या है। जैसे कोई आपने इमेज क्रिएट किया हुआ है इस प्रकार का, और इस हॉट को आपको इस पिक्चर में लाना है तो सिंपली आप क्या करेंगे कि सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप मूव करेंगे या फिर इसको छोटा करके यहाँ पे मूव करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे करने के बाद ये वाइट शेडेड रीजन आ जा रहा है, ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट आ जा रहा है। तो सिंपली इसको हटाने के लिए आपको सेलेक्ट पे जाना है। ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन करते ही जो अनवांटेड बैकग्राउंड वाइट सेक्शन जो क्रिएट हुआ रहेगा वो अपने आप हट जाएगा, इसी का प्रयोग ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन में करते हैं। या फिर कोई भी .png फाइल बनाना हो तो ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ये मैंने इमेज क्रिएट कर दिया हुआ है और कहीं पे भी पेस्ट करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन, और उसके बाद कहीं पे ले जाना होगा तो कॉपी करके अगर पेस्ट करेंगे तो सिंपली ये बैकग्राउंड वाइट नहीं आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद सिंपली अगर ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन ऑन नहीं रहता है तो ये वाइट के साथ आता है। जैसे ही ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन ऑन करते हैं ये वाइट बैकग्राउंड को डिलीट कर देता है। तो सिंपली इसका यही यूज है, वाइट पोर्शन को हटाना। अब देख लेते हैं क्रॉप का क्या यूज है। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने फोटो अभी पिक्चर बनाया हुआ है, तो सिंपली कोई भी चीज को क्रॉप करने से पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दें कि ये जो दोनों ऑप्शन है क्लिपबोर्ड या फिर इमेज में कोई भी चेंजेस करना हो तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही आप उस इमेज में कोई भी चीज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप का जैसे ही ऑप्शन डालते हैं तो ये सारा अनवांटेड फोटो को डिलीट, अनवांटेड क्रिएटेड फोटो को डिलीट करके जो आप सेलेक्ट किए रहते हैं वही इमेज आ जाएगा। और कंट्रोल जेड करते हैं तो जस्ट एक स्टेप पीछे चला जाता है। कंट्रोल जेड का प्रयोग अंडो के लिए किया जाता है और कंट्रोल वाई का प्रयोग रीडो के लिए, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे। कंट्रोल जेड दबाते हैं तो एक स्टेप पीछे आ जाता है। तो क्रॉप का तो यूज जान गए कि कोई भी इमेज को, जैसे ये लोगो है मेरा, जैसे ये कोई भी चीज़ का लोगो है तो सिंपली हम ये अनवांटेड चीज़ को नहीं लेना चाहते हैं। तो सिंपली अगर क्रॉप करते हैं तो ये ही फिगर केवल इस छोटा सा इस पेज पे आ जाएगा, कंट्रोल जेड। अब देख लेते हैं रिसाइज का क्या यूज है। तो रिसाइज जैसे शो कर रहा है कि कंट्रोल डब्ल्यू से भी रिसाइज कर सकते हैं। तो रिसाइज का प्रयोग कोई भी इमेज को छोटा करने के लिए होता है। जैसे ये इमेज है और इसको हमको छोटा करना है तो छोटा तो यहाँ से भी कर सकते हैं,
लेकिन हम चाहते हैं कि ये जब इमेज स्मॉल हो तो एक स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ में हो। सिंपली कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हैं तो ये रिसाइज का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से मार्जिन एस्पेक्ट रेशियो हम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पिक्सल। फॉर एग्जांपल हमको स्क्वायर इमेज क्रिएट करना है तो सिंपली दोनों में वही डालेंगे, लेंथ एंड टू ब्रेथ सेम होना चाहिए स्क्वायर इमेज क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली 20 300 × 300 ये स्क्वायर इमेज फॉर्म हो चुका है। और रिसाइज का यूज करते हैं कोई भी इमेज को स्मॉल या फिर लार्ज करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1000 डाल दिया। देख सकते हैं कि इमेज बड़ा हो गया। सिंपली रिसाइज का प्रयोग करते हैं कोई भी सिलेक्टेड इमेज को बड़ा या छोटा करने के लिए। कंट्रोल ए डिलीट। अब ऑप्शन देख लेते हैं रोटेट का क्या यूज है इस इमेज में। तो सिंपली ये जैसे मैंने पिक्चर ड्रा कर दिया तो ये तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ ये एरो शेप में सिर्फ डाउन के लिए है। इसको रिमूव करते हैं। साइज के लिए, रोटेट के लिए ये जैसे मैंने एक पिक्चर क्रिएट किया हुआ है। अब जस्ट इस इमेज को रोटेट करना है। सिंपली इसमें एंगल दिया हुआ है कि किस एंगल पर रोटेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक एंगल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है तो पहले सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही रोटेट पर क्लिक करते हैं तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाता है अपने एक्सिस पे। ये 90 डिग्री करते हैं तो वापस वैसे ही आ जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो जस्ट इसका ऑपोजिट रोटेट हो जाता है, देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली करते हैं तो जैसे ये मैंने डिलीट कर दिया, अब अच्छे से दिख सकते। ये रोटेट हो रहा है। ये फ्लिप हॉरिजॉन्टली करने से जस्ट एक मिरर इमेज की तरह रोटेट कर देता है। हॉरिजॉन्टली करने के लिए वर्टिकली करने से जस्ट उसका ऑपोजिट कर देता है इमेज का। तो ये थे कुछ पेंट के बेसिक टूल्स, क्लिपबोर्ड एंड इमेज। मैंने इससे भी पहले 2 वीडियो डाला हुआ है पेंट पे। ये मेन 4 ऑप्शन इन एमएस पेंट, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। अगर आपको इसमें इसको समझना है तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा वीडियो में कुछ बेसिक टूल्स हमने बताया है जैसे पेंसिल टूल, फिल विथ कलर, टेक्स्ट, शेप, ब्रशेस के बारे में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि इसका टूल्स का यूज कैसे करते हैं। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि सिंपली आप इस टूल का प्रयोग करके कैसे आप एक अच्छा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेप से कोई ले लिए फोटो, आपको एक बढ़िया सा लोटस का पिक्चर बनाना है तो सिंपली इस
ये सारे टूल्स का प्रयोग करके हम लोटस बनाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी इमेज को कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट, जस्ट हूबहू एक ऐसा इमेज क्रिएट कर कर दे दिया। तो सिंपली आपको इस वीडियो में हमने बताया है कि रोटेट का ऑप्शन यूज करके कोई भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमने पहले से कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपली इसको रोटेट करना है तो ऐसे हॉरिजेंटली पर रोटेट करेंगे और यहाँ पर ला कर पेस्ट कर देंगे। इसमें और कुछ बना लेते हैं, जैसे अब सिंपली आप इसको हूबहू इस साइड का फिगर आपको ड्रा करना है तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, उसके बाद पेस्ट करना है तो ये हूबहू इसी टाइप का इमेज आपको क्रिएट करके दे देता है। तो सिंपली आप इसको रोटेट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करते हैं, ये रोटेट हो जाएगा और इसको जनरेट कर देते हैं। जनरेट होने के बाद अब आप इसमें कलर कर सकते हैं जैसा भी कलर करना हो। ये फील इसलिए हुआ है कि यहाँ पे हमने ऊपर में कुछ छूट गया है। ये यहाँ से ऐसे जनरेट हो सकता है फिगर। सो है दोस्तों, ये थे बेसिक टूल्स का प्रयोग करके ये हमने पिक्चर क्रिएट किया हुआ है।